मैं नूर बलोच और आप देख रहे हैं शासन टीवी। बलोचिस्तान और खूनी शाहरा नेशनल हाईवे। सड़कें लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन बलोचिस्तान में इसके बरक्स है। बलोचिस्तान में सड़कें लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचाने से पहले उनकी जान ले लेती हैं, बल्कि मौत बलूचिस्तान में सड़कों पर रक्स करती आपको नज़र आती है। मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फिक्शनल बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एक हकीकत है। मैं उन बदकिस्मत लोगों की बात करता हूँ, वो बलूचिस्तान में जो नेशनल हाईवे है जो कि कराची को चमन तक जोड़ती है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस सड़क पर सफ़र करते हैं। इसी सड़क पे वेंदर के मकाम पर कल बलूचिस्तान के 5 नौजवान मौत के मूल में चले गए, जो कि ये नौजवान पंजगूर के रिहायशी थे, जिनमें शहाब बलोच, ज़ाहिर बलोच, ज़ाहिद बलोच और दीगर तालीम याफ्ता नौजवान शामिल थे। इस वक्त बलूचिस्तान में शोक का माहौल है और कोहराम मच गया है। ये एक वन वे सड़क है। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक 2022 से लेकर 2023 तक इस सड़क पर तकरीबन 4000 अफराद हलाक हो चुके हैं, और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 तक 447 लोग हलाक और 26500 लोग इस सड़क पर हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। यानी कि जो दहशतगर्दी में लोगों की जानें जाती हैं, ये उनसे भी कई गुना ज़्यादा है। इस सड़क पर कई अहम सिटीज़ आती हैं, जैसा कि कराची, लसबेला, उजदार, मस्तुंग, कलात, कोयटा, पशीन और दूसरे बड़े शहर भी सड़क पे आती हैं। इस सड़क पर हादसात की सबसे बड़ी वजह इसका सिंगल होना है। ये एक सिंगल कैरियज वे है जिस पर हादसात आए दिन पेश आते हैं। इसमें ट्रैफिक दबाव बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बलूचिस्तान के सबसे बिजी रूट है। ना सिर्फ यहाँ कराची से चमन तक ये इन इलाकों को कनेक्ट करती है, बल्कि ग्वादर से जो ज़ीरो पॉइंट आती है वो विंदर के मकाम पर इस सड़क से जुड़ जाती है। इसमें ट्रैफिक दबाव बहुत ज़्यादा है। इसी सड़क से ही अफगानिस्तान जो ट्रेड ट्रांज़िट है, ये भी इसी सड़क से गुजरती है, और पास में नेटो सप्लाई भी यहाँ से होती रही है। एक तो ये एक सिंगल रोड है, जब तक इसको डबल नहीं किया जाता है इस पर हादसा इसी तरह से पेश आते हैं। दूसरी जानिब जो मोटरवे पुलिस है, वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इंश्योर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता साल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तकरीबन 74 बिलियन रुपीज़ जारी किए इस सड़क को डबल करने के लिए। इस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन जो काम की पेस है, जिस तरीके से काम हो रहा है, अंदाज़े के मुताबिक अगर इस तरह ये काम चलता है तो तकरीबन अगले 2 दहाई इस सड़क को मुकम्मल होने में लगती हैं। इसका मतलब ये है कि अगले 20 साल तक बलूचिस्तान में लोग इस सड़क पर इसी तरह ज़िंदगी और मौत के दरमियान सफ़र करते रहेंगे।